हम किसी रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान का हम काफ़ी ज़्यादा केयर करें, काफ़ी ज़्यादा प्यार करें, काफ़ी ज़्यादा हम उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, सारी चीज़ें दे रहे, उस इंसान की रिस्पेक्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा केयर करना, उसकी काफ़ी ज़्यादा प्यार करना, सब कुछ करें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमेशा मुझे लोग कॉल आते हैं, कॉल्स पर ज़्यादातर बात होती है, मैसेजेस पर ज़्यादातर बात होती है, लोगों के एक ही क्वेश्चन होते हैं कमेंट्स में भी, सर सामने वाला इंसान मेरे प्रेम को या फिर मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है, मैं उस इंसान के लिए सब कुछ कर चुका हूँ, उसको समझा के थक चुका कि भैया मैं तेरे लिए ऐसा टाइम मैनेज करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा करता हूँ, मैं तेरे लिए घर वालों से झूठ बोलता है, फैमिली से झूठ बोलता हूँ, फ्रेंड से झूठ बोलता हूँ, तेरे लिए ऐसे टाइम मैनेज करता हूँ, जॉब से छुट्टी लेता हूँ, इतना सब कुछ करा, लेकिन तू मेरे प्यार को समझ नहीं रहा। मैं सब कुछ इंसान को समझा चुका लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो क्या कर सकते? इफ समवन डज नॉट अंडरस्टैंड योर लव एंड योर केयर, आपके प्यार को और आपकी केयर को समझा ही नहीं जा रहा सामने वाले की तरफ से, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? सामने वाले इंसान को कोई मतलब ही नहीं, आपके होने ना होने से आप जा रहे हो, जाओ आ रहे हो आओ, या फिर आप प्यार दे रहे हो, सामने वाले की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप प्यार दिए जा रहे हो, केयर किए जा रहे, सामने वाला सब लिए जा रहा है लेकिन देने में बदले में कुछ नहीं देना चाहता, आपको हर्ट कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, सही से आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, आप सारी चीज़ें उसको दिए जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप रिलेटेड पर्सनली मुझसे बात कर रहे हैं, अगर आपके भी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दिख रही है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ पे भी आप कॉल बुक कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कॉल करें, डायरेक्टली कॉल मत करिए, आप पहले कॉल बुक करिए फिर मेरे से बात करिए। तो अभी आते टॉपिक पे कि इफ समवन डज नॉट अंडरस्टैंड योर लव, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, सामने वालों को कैसे हम समझाएं कि हम भी कुछ है भाई, हम भी कोई फीलिंग रखते तुम्हारे लिए, या फिर सिर्फ तुम किए जा रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो यहां पे हो क्या रहा है? सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा है, हम उसको समझा के थक चुके, एक साल हो गया, दो साल हो गया, दो महीने हो गए, छह महीने हो गए, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मेरे से उधार मांगा, मैंने उसको 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, सही से समझना एग्जांपल को, 100 रुपये उसको मैंने उधार दिए, सामने वाला इंसान ने 100 रुपये लिए, वो अपने काम मतलब जो काम था उसने यूज़ किए 100 रुपये, उसके बाद मैंने उससे मांगे नहीं, वो खुद मेरे को पैसे नहीं दे रहा, एक महीना हो गया, दो महीने हो गए, छः महीने हो गए, उसने 100 रुपये मुझे वापस नहीं दिए, क्या दूसरी बार मैं उसको 100 रुपये दूंगा? ऑब्वियसली नहीं दूंगा, क्योंकि उसने पहले वाले मेरे को नहीं लौटा है ना। वैसे सामने वाले इंसान को आप प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो, लेकिन अगर सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आपको सारी चीज़ें नहीं दे रहा है, तो आप उसको फिर से प्यार केयर क्यों देना चाहते हो? सामने वाले को ये क्यों नहीं, यार मैं तेरे लिए बहुत प्यार करता हूँ, समझ लेना यार, सामने वाले के लिए इमोशनल होना, सामने वाले के पास भीख मांगना, तो प्यार दे देना, केयर कर लेना, अगर तुम सारी चीज़ें दे रहे हो तो हक से वो भी देना चाहिए ना सारी चीज़ें। इफ़ यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी कोई इज्जत है ना, या फिर आप सिर्फ मांगोगे दे दो प्यार दे दो, इज्जत दे दो, मेरी रिस्पेक्ट कर लो, मुझे कॉल कर लो, मुझे इग्नोर मत करो, क्या ये सारी चीज़ें मांग रहे हो सामने वाले के पास? सामने वाले को समझो, सामने वाले को बोलो कि भैया अगर तुम मुझसे प्यार कर दो क्लियर बोलो, अगर नहीं तो चलो निकलो मेरी लाइफ से, दरवाज़ा खुला है निकलो, क्योंकि हम सारी चीज़ें उसको दे रहे, सामने वाला सब कुछ लेना चाहता है लेकिन देना तो नहीं चाहता ना, आप सिर्फ दिए जरूर पागल की तरह, फिर एक समय ऐसा आ जाता आप इमोशनल हो जाते हो, सामने वाला बोलता है कि आप बोलते हो कि यार मैं इतना कर रहा हूँ तेरे लिए, इतना टाइम मैनेज करता हूँ, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, तू मेरे को प्यार क्यों नहीं करता, तू मेरे को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देता, तो सामने वाला बोलता मैंने थोड़ी बोला तुम्हें प्यार देने के लिए, निकलो मेरे को मत दो, फिर तब क्या करता हम रोना स्टार्ट कर देते कि यार इतना सब कुछ किया तो भी वो सामने वाला ऐसा बात कर रहा है, इतने एटीट्यूड से बात कर रहा है, उसका एटीट्यूड आपने तो बढ़ा के रखा है यार, आप उसको ये सारी चीज़ें दे रहे हो तो सामने वाला घंटा में से आपकी वैल्यू करेगा, सामने वाला अगर आपकी वैल्यू करना चाहता है, सामने वाला अगर आपको समझना चाहता है, तो आपको ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे लिए ऐसे टाइम मैनेज कर रहा हूँ, मैं तेरे को ऐसे कॉल करता हूँ, मैं फैमिली से झूठ बोलता हूँ, तेरे लिए टाइम मैनेज करता हूँ, जॉब से छुट्टी लेता हूँ, स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता हूँ, स्टडी छोड़ के तेरे से बात करता हूँ, तेरे से चैट करता हूँ, मैं सबसे बात नहीं करता, तेरे से बात करता हूँ, मैं इतना लॉयल हूँ, ये सारी चीज़ उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर सच्ची में आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ही हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, तो डेफिनेटली उसको सारी चीज़ें दिख रही है, अंधा नहीं हो इंसान, उसको सारी चीज़ दिख रही कि आप उसके लिए कैसे टाइम मैनेज करो, तो आपको उसको ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे लिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो तू देख मेरे को सारी चीज़ देख और मेरे को प्यार दे, बोलने की जरूरत नहीं, दो सामने वाले दिख रहा है उसको, अगर उसको दिख रहा है और उसको इंपॉर्टेंस है सारी चीज़ों की, आपकी वैल्यू है उसकी नज़रों में, उसको इंपॉर्टेंस है सारी चीज़ों की, ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ पे सिर्फ मांगना पड़ रहा है दे दो ना, तो यहाँ पे प्यार कहाँ से हुआ? तो आप सामने वाले की तरफ से सिर्फ भीख मांग रहे हो ना, तो सामने वाला अगर आपके प्यार को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, तो उसको समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? समझ जाना भैया, समझ जाना, गधे बन चुके हो क्या? क्या एक चीज़ आपने जैसे बताया जाता ना, आपने कहीं पर सुना होगा कि इंसान को एक बार समझाया जा सकता है,
गधों को समझाया नहीं जा सकता। अगर सामने वाला गधा है, आप उसको समझा रहे हो, नहीं समझ रहा, छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मैंने 100 रुपये वाला एग्जाम्पल दिया, मैं एक बार 100 रुपये दे रहा हूँ उसको, अगर उसने नहीं लौटाया तो मैं बाद में नहीं दूंगा उसको, ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे 100 रुपये दे दे भैया, मैं देखो बाद में, नहीं दिया तो चलो निकलो, 100 रुपये गए जाएगा, लेकिन मेरे को अगली बार वो मांगेगा तो नहीं ना मेरे पास, अगर मैं उसके पास 100 रुपये नहीं मांग रहा तो मांगेगा नहीं। वैसे सामने वाले को प्यार दे रहा, अगर वो नहीं दे रहा तो उसको फोर्स मत करो, उसको मतलब स्टेटमेंट में दो, हाँ मैं जा रहा हूँ, तूने ये नहीं किया, तूने वो, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं ना, मैच्योरिटी के साथ आगे निकलो, चलो भैया आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते। उसको ये मत बोलो कि तूने ऐसा केस ले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उसको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा, अपने आप उसको वैल्यू हो जाएगी, नहीं यार इंसान मेरी लाइफ में कुछ था, इंपॉर्टेंट था। और इंसान जब आपकी वैल्यू समझेगा, जब उसको फीलिंग समझ में आएगी, जब रियलाइज़ होगा ना, तब दौड़ते हो आपके पास आएगा कि नहीं यार ये इंसान मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ये जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका तो ऐसे इंसान मेरे को नहीं मिलेगा। ये उसको कब रियलाइज़ होगा, जब आप अपनी एटीट्यूड को बिल्ड करोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे तो सामने वाले को पता चलेगा इसकी भी कोई इज्जत है। लेकिन अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, खुद बोलती है कि ये इंसान मेरे को डाउन कर रहा है, अपनी इज्जत नहीं कर रहा, तो क्या है इसकी इज्जत करेगा, तो खुद अपनी जो इज्जत होती है ना अपने आप उसके हाथ में दे दे दो, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको दबा के नोचे दे और पकड़ के फेंक देगा कचरे के डिब्बे में। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई वैल्यू नहीं, उसके सामने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, हम सिर्फ मांग रहे मांग रहे मांग रहे, मांगते जाओ मांगते जाओ, एक समय ऐसा आएगा इंसान आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा और चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप टूटे, मेरे पास आते हैं कॉल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने, सामने लोग हम कोई चीज दे रहे हैं और सामने वाला नहीं दे रहा रिस्पॉन्स, कोई नहीं दे रही रिटर्न में, सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो वहां पे अटेम्प्ट्स लगाने की जरूरत नहीं ना। अगर कोई चीज एग्जांपल मेरे को, जैसे कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे भी लोग बोलते हैं, इतने गधे होते लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे यार आपको क्या पता है, कहा जाता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कोई चीज ऐसी नहीं जो हो नहीं सकती, सारी चीजें होती है, सिर्फ ट्राई करते जाओ। कि यहां पे ट्राई करोगे ये चीज़, नथिंग इन इम्पॉसिबल कोई दूसरी जगह के लिए होता है, वो कोई दूसरी जगह के लिए उसके मायने होता है, लेकिन हम इसको रिलेशनशिप में ला रहे, रिलेशनशिप में क्यों डाल रहे उसको, नहीं नथिंग इन इम्पॉसिबल मतलब उसके पीछे भागना है भागना है भागना है। एग्जाम्पल देता है, कीले, कील को टो कर ना दीवार में, तो जो कील है ना, अगर वो दीवार में कुछ है, अगर मान लो दीवार में कुछ है ऐसी चीज़ पत्थर है, लेकिन वहाँ पे कील नहीं जा रही, तो हम क्या उसको ठोकते रहेंगे, हमें क्या करना है, कील को निकाल के दूसरी जगह ठोकना होगा ना। क्यों? क्योंकि वो कील वहाँ पे नहीं जा रही, मतलब कील में कोई गलती नहीं, हमारे मारने में कोई गलती नहीं, वहाँ पे वो दीवार में कोई गलती है जिसके अंदर कील नहीं जा रही, तो हम उस कील को वहाँ पे नहीं दूसरी जगह ठोकेंगे। वैसे नथिंग इम्पॉसिबल, चलो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लाइफ तुम्हारी झंड हो रही है, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार जब 5 साल 6 साल 2 महीने 4 महीने जब मूव ऑन कर जाओगे ना रियल में, तब समझ में आएगा ऐसे घटिया इंसान के लिए मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, तुम खुद बोलोगे तब। तो प्लीज़ पहले कोई चीज़ करने से पहले किसी को अपनी इंपॉर्टेंस या फिर अपनी फीलिंग्स बताने से पहले सोच लिया करो। हम लोग सब कुछ उसको बता देते हैं, नहीं मैं तेरे लिए ये करता हूँ, देख मैं तेरे लिए ऐसा रोता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा रोती हूँ, मैं तेरे लिए ये सैड सॉन्ग सुनता हूँ, मैं तेरे को ऐसे, तेरे तू मेरे को सपने में आता है तो ऐसा करता है, मैं तेरे लिए ऐसे सोच के रखी हूँ, हम ऐसे करेंगे, बच्चे होंगे, बीबी होंगे, सारी चीज़ें उसको बोलते। सामने वाला, अरे पागल यार छोड़ो इसको, उसके माइंड में ये चीज़ होता है, सामने वाला आपको ये नहीं समझता, हाँ ये मेरे लिए प्यार करता है, तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें बताने से उसको समझ में आएगा, हाँ ये मेरे लिए प्यार करती है, सब कुछ करता है, हाँ बंदा अच्छा है, बंदी अच्छी, घंटा ऐसा नहीं होता है। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंड, इंसान का माइंड उस चीज़ में ज़्यादा लगता है जो चीज़ उसको नहीं मिलती है। इंसान को सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी तो उसको वैल्यू नहीं होगी, कहा जाता है ना ज़्यादा खाना देंगे तो खाना नहीं हजम होता है, नहीं खाना हजम होता है, वैसे उसको हजम नहीं होगा सारी चीज़ें। आप सारी चीज़ दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगा रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन वो इंसान क्या करेगा, बाद में आपको गाली देगा और बोलेगा अरे गधा है तू, निकल यहाँ से, चल मेरे को नहीं समझ में आता, तू ऐसा पागल है, मेरे को नहीं पता था, मैं तो पछता, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिल्टी फील हो रहा है, या फिर मैं इतना गधा बन चुका, मैं कहा मेरा नसीब फूटा था, मैं तेरे लाइफ में आ गया, या फिर तेरे को हाँ बोल दिया, वो खुद आपको ऐसा बोलेगा, तब आप रोओगे और फिर मेरे पास कॉल करते, मैसेज करते कि यार वो ऐसा बोल रहा है। तो खुद अंडरस्टैंड हो, खुद को थोड़ी मैच्योरिटी रखनी चाहिए कि यार अगर ये इंसान ऐसा है जो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, जो मेरे को प्यार ये सारी चीज़ देना जरूरी नहीं समझ रहा है, तो मैं इसके पीछे क्यों भागूं। अगर वो सच्ची में मैं इतना सब कुछ कराऊँ, मैं मानता हूँ आप उसको टाइम निकालते हो, फैमिली से जुड़ बोलते हो, सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिख रही, मुझे दिख रही, आप मुझे बता रहे हो, सबको समझ में आता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा, इतना गधा थोड़ी हो, उसको सब समझ में आता है, लेकिन वो दिख रहा है तो भी वो नहीं दे रहा आपको सारी चीज़ें। तो आपको उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि देख ऐसा टाइम मैनेज करता हूँ, देख इतना झूठ बोलता हूँ, देख ऐसा करता हूँ तेरे लिए, देख मैं तेरे को कितना मतलब फैमिली से झूठ बोल के रात में तेरे से बात करता हूँ, तेरे से चैट करता हूँ, स्टडी छोड़ के जॉब से छुट्टी लेता हूँ, ये करता हूँ, हाफ डे लेता हूँ, ये करता हूँ, वो सारी चीज़ें उसको बोलते, लेकिन सारी चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें उसको दिख रहे ऑलरेडी। अगर उसको दिख रहे और उसके दिल में या फिर उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, आपके लिए प्यार रखता है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें समझेगा और आपको प्यार देगा। और अगर वो गधा है या फिर वो गधी है, उसको ये सारी चीज़ें की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो ऐसे इंसान को लाइफ से निकालो, आपको उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं, आ जाओ मेरी लाइफ झंड करो, आओ आओ, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप उसको ऐसा करोगे ना, फोर्स करोगे ना, आ जाओ प्लीज़ मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, तो ये सारी चीज़ों से आपकी लाइफ झंड हो रही, क्योंकि सामने वाला आपको फोर्स ग्रांटेड लेगा, और एक समय ऐसा आएगा आपको
पीछे घुमा के आपके पिछवाड़े पे ऐसे लात मारेगा ना, आप पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे, याद रखना। तो अभी बहुत समय है आपके पास मूव ऑन करने के लिए, और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से अब भी निकालो जो आपकी लाइफ में झंड कर रहा है, आपकी लाइफ को बिगाड़ रहा है। अगर वो सच्ची में आपको फीलिंग्स रखता है, 10 या 15 दिन उससे दूर रह के देखो, देखो वो सच्ची में आपके पास आएगा। सारी चीज़ें देना बंद कर दो, आपके प्यार की वैल्यू रियलाइजेशन उसको अपने आप हो जाएगी। जब उसको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, खाना 10 दिन नहीं मिलेगा, तब खाने की वैल्यू समझ में आएगी ना, खाना कितना इंपॉर्टेंट है। और खाना डेली मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो कहाँ से वैल्यू होगी खाने की? तो खाने की इंपॉर्टेंस कब समझ में आती है? जब खाना हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, और खाना मिलता ही नहीं जब पूरी तरीके से, तब हमें ज़्यादा वैल्यू होती है ना कि नहीं यार मेरे को भूख लगी, खाना चाहिए खाना चाहिए, जो ढूंढेगा गली गली जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। वैसे आप ये सारी चीज़ देना बंद करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो उसको जब ढूंढना पड़ेगा ना दूसरे लोगों के पास, जब जाएगा कि यार प्यार दे दो प्यार दे दो, जो दूसरे लोग जो इस दुनिया में है, दुनिया कैसे पता है, तो दुनिया में उसको प्यार नहीं मिलेगा, तब आपकी वैल्यू समझ में आएगी, नहीं यार इंसान बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा जरूरी था मेरे लाइफ में, तब वो खुद आपके लिए रोएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं मैं उसके लिए उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं 10 दिन भी नहीं रह सकता, 5 दिन भी नहीं रह सकता, फिर आपकी कोई लाइफ नहीं यार। अगर आप उसके बिना 1 दिन नहीं रह सकते तो क्या वो ऑक्सीजन नहीं बन सकता, बन चुका है आपका? माँ बाप होते वो भी 1 दिन छोड़ के जाते ना, वैसे वो इंसान है। निकालो अपनी लाइफ से, ऐसा समझ लो अपने लाइफ में कचरा भर के रखा था, कोई प्यार था ही नहीं उसके दिल में, प्यार था आपकी तरफ से था ना, उसकी तरफ से तो टाइम पास था, तो वहाँ पर प्यार कहाँ से हुआ? तो वहाँ पर मूव ऑन होने के लिए तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से मूव ऑन कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि मूव ऑन करो, सिर्फ अपने लाइफ में 10 से 15 दिन आगे बढ़ो, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दे। देखो इंसान अगर सच्ची में आपसे प्यार करता उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपके पास आने का। और लेकिन अगर वो इंसान गधा है गधी, तो उसको कभी रियलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे इंसान को लाइफ से निकाल ही देना। सही है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर पॉइंट समझ में आए तो प्लीज़ अपने जो ढक्कन बंद करके रखे, जो अपने माइंड में उसी की थॉट्स रखे, उसको निकालो, और जो मैंने चीज़ें बताई उसको बार बार सुनो, वीडियोस को बार बार देखो, तब आपके माइंड में सारी चीज़ें उतरेंगे, और प्रायोरिटी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दो और मैच्योरिटी रखो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे कॉल पर बात करने के लिए नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वहाँ पर जाकर आप कॉल बुक करके मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।